लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने से मुतालिक विफाक से जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानब मरियम नवाज और जावेद लतीफ के बाद दो और लीगियों के नाम ईसीएल में डाल दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने से मुतालिक दरखास्त पर समाप्त की। मरियम नवाज के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि 7 दिन में फैसला किया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बिना पर नाम ईसीएल से निकाला जाए, जिस पर अदालत से दरखास्त की गई कि मरियम नवाज के वालिद अलील हैं। दरखास्त है कि नाम ईसीएल से निकाला जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए मरियम नवाज की ईसीएल से नाम निकालने की दरखास्त पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया और मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरखास्त पर समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब मरियम नवाज और जावेद लतीफ के बाद दो और लीगियों के नाम ईसीएल में शामिल कर दिए गए। वजारत दाखिला ने राना सनाउल्ला और साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के नाम भी ईसीएल में डाल दिए।